हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु बाय नीरज सर में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का जो है भारतीय भवन मैथ का ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन नंबर 33। जबकि इससे पहले के वीडियो में जो है आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 32 तक जो है आपको मिल जाएगा, जो कि एक पूरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ये देखिए। कह रहा है दो ऊर्ध्वाधर स्तंभों के बीच की दूरी 60 मीटर है और एक की ऊंचाई दूसरे से दोगुनी है। उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर उनके शिखरों के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। उनकी ऊंचाई ज्ञात करें। तो हमें क्या करना है, उनकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि हमें कहा गया है कि दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ, तो दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक इस प्रकार से हम दो स्तंभ बना लिए और एक स्तंभ को जो है यहाँ पे रखते हैं और दोनों की बीच की दूरी जो है ये हमें क्वेश्चन में दे दिया है। कितना दिया गया है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो है 60 मीटर की दूरी है। कितना मीटर है, 60 मीटर है, तो 60 मीटर की दूरी हो गया। और ये दोनों जो मिलती है, इस दोनों की बीच की लंबाई के शीर्ष जो है दोनों का यहाँ पर मिलता है। कहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है। और इसका भी कहाँ मिलेगा, तो ये भी जो है आपका यहाँ मिलेगा। और दोनों दूसरे से दोगुना है, जो ऊंचाई है ना दोनों का एक दूसरे से क्या है, दोगुना। मतलब अगर ये x होगा तो ये कितना होगा, ये आपका 2x होगा। तो इस प्रकार से है, तो ये अगर 2x है तो इसका डिस्टेंस भी क्या होगा, ये डिस्टेंस 30 मीटर का होगा। और ये भी डिस्टेंस कितने का होगा, तो ये भी जो है आपका 30 मीटर का होगा। तो कहा जा रहा है मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, चूँकि ये मध्य बिंदु कहा है तो 30-30 का होगा। तो अब इसका नाम दे दीजिए, ये ए हो गया, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये डी, और इसका नाम दे देते हैं ई। क्या दे दिए हैं, ई दे दिए हैं। तो अब यहाँ थोड़ा सा मान लीजिए, माना कि दो ऊर्ध्वाधर मीनार। अब दो जो ऊर्ध्वाधर मीनार है कौन कौन सा है, तो एक हम माने हुए हैं ए बी और तथा का कौन सा है, तथा सी डी है। कौन है, ए बी तथा सी डी है। अब जो ए बी की ऊंचाई है, ए बी की ऊंचाई क्या माने हैं, तो ए बी की ऊंचाई एक्स माने हैं, जबकि सी डी की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, सी डी की ऊंचाई जो है ये कितना है, तो ये आपका है 2x। कितना है, 2x। तो हमसे कह रहा है इसी की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, किसकी, उनकी ऊंचाई, यानी इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम किसी भी त्रिभुज में चलेंगे। तो देखिए, एक जो होगा ये मेरा, मान लेते हैं कि ये थीटा डिग्री है, तो इसका एंगल क्या होगा, इसका एंगल होगा 90 माइनस थीटा। तो अब चलिए, यदि हम 10 से चलते हैं तो ये लंब और ये बटा का आधार हो जाएगा। तो त्रिभुज सी डी ई में चलिए, तो ये हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा इस कॉल टू हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब क्या होगा, लंब हो जाएगा आपका सी डी और आधार हो जाएगा सी ई हो जाएगा। क्या यही होगा ना। अब देखिए, इसे और आगे बढ़ाइएगा तो ये 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा और सी डी है 2x, तो 2x रखेंगे। और सी ई कितना है, सी ई 30 है, तो 30 रहने दीजिए। अब इसे क्या कर लीजिए, इसे जो है इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, चूँकि ऐसे तो ये हल हो नहीं पाएगा। तो अब चलिए दूसरा त्रिभुज में, अब किस में चलते हैं, इस त्रिभुज में चलते हैं। तो त्रिभुज हो जाएगा आपका ए बी ई में, ए बी ई में चलिएगा, तो यहाँ भी क्या लगाना होगा, यहाँ भी 10 थीटा लगाएंगे। तो 10 थीटा, तो 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, लंब होगा आपका ए बी और आधार हो जाएगा आपका बी ई हो जाएगा। तो यहाँ चलिए 10 थीटा, तो 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स और वाई हो जाएगा 30। इसे जो है इक्वेशन सेकेंड कहिए, इसे क्या कहिए, इक्वेशन दो कहिए। अब समीकरण एक और दो से चलिए, तो समीकरण एक तथा दो से, तो समीकरण एक जो है वो क्या है, तो दोनों को एक साथ रखिए। तो इधर हो जाएगा आपका 10 थीटा और इंटू का कॉट थीटा इंटू 10 थीटा लिखे हैं। और इधर क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा आपका 2x बाई 30 और इंटू का ये भी हो जाएगा x बाई 30। क्या यही होगा ना। अब देखिए, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा जो है इसका वैल्यू क्या होता है, तो 10 थीटा इंटू कॉट थीटा फार्मूला होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1
अगर सीधा कीजिएगा तो इधर टेन थीटा लिखिएगा, इधर कॉट थीटा, तो बात तो बराबर है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, वन। इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका टू एक्स स्क्वायर, और तीस तीस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। अब देखिए, अब ये 900 इधर है तो मल्टीप्लाई होकर के इधर चला जाएगा, यानी इधर रखिए एक्स स्क्वायर और इधर हो जाएगा 900, ये दो गुना में है, इधर आके हो जाएगा भाग में, और यहाँ क्या चढ़ेगा, तो यहाँ जो चढ़ेगा वो आपका रूट चढ़ेगा। देखिए तो ये जो है ये आपस में कट जाएंगे, ये कैसे कटेंगे, तो 45 दुना का 90 यानी 450 हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, चूँकि स्क्वायर से हम क्या डाल दिए हैं, रूट डाल दिए हैं। अब देखिए यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे, तो 45 450 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो 3 × 5 और 3 तीन पच्चे 15 और 15 तिया का 45 और 45 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 450 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एक 3 है, एक यहाँ 3 है, तो क्या हो जाएगा, एक 3 निकल जाएगा, फिर ये 5 है और ये 5 है, तो 2 5 हो गया, तो एक 5 निकल जाएगा, और रूट के अंदर क्या रह जाएगा, तो रूट के अंदर जो है 2 रह जाएगा। यानी जो हमारा एक्स का वैल्यू निकला वो कितना निकला, 15 और रूट अंडर का 2 निकला। लेकिन हमें क्या कहा जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ का हमें जो है इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अगर ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो पहली की ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई जो है जो हम ए बी माने हुए थे, तो ए बी को किसके द्वारा माने हुए थे, एक्स के द्वारा, तो इसकी ऊंचाई कितना निकलेगा, तो इसकी ऊंचाई 15√2 निकलेगा। जबकि यदि हम जो सी डी माने हुए थे वो कितना गुना था, तो 2 गुना था, तो 2 से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 15 और रूट अंडर 2, तो ये 15√3 हो जाएगा और 30√2, यानी इतना मीटर जो है इसकी क्या हो जाएगी, तो ऊंचाई हो जाएगी। और इस प्रकार जो है आपका ये क्वेश्चन बन जाता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 34 नंबर। अब देखिए 34 का पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, दो भूमि केंद्रों से मापने पर एक कृत्रिम उपग्रह के उन्नयन कोण एक ही ओर क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि केंद्रों के बीच की दूरी 400 किलोमीटर हो तो उपग्रह की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है कि उपग्रह की ऊंचाई का ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दो जो है ये भूमि के केंद्र हैं, दो भूमि के केंद्र हैं, मान लेते हैं कि यहाँ क्या है, तो यहाँ जो है आपका उपग्रह है, तो उपग्रह की ऊंचाई हमारा ये हो जाएगा, और भूमि के दो केंद्र, तो चलिए भूमि के दो केंद्र, एक केंद्र मान लेते हैं कि ये रहा और दूसरा केंद्र जो है मेरा ये रहा। अब ये दोनों जो है कितने कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो पहला जो है ये बनाती है 60 डिग्री का, कितना डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बनाती है, जबकि दूसरा कितना का बनाता है, 30 का बनाता है ना, तो 30 डाल दीजिए। अब देखिए ये मान लेते हैं ए है और ये बी है और ये सी और ये क्या है, डी है, जबकि इस दोनों के बीच की दूरी जो है वो कितना है, तो ये है आपका 400, कितना है 400 है, तो यहाँ दोनों के बीच 400 है, तो 400 लिख दिए कितना किलोमीटर है। अब देखिए हमें पूछ रहा है तो उपग्रह की ऊंचाई कितनी होगी, मतलब हमें ए और बी बताना है, तो यहाँ थोड़ा सा आप लिख दीजिए, माना कि ए उपग्रह है जो भूमि के साथ 60 डिग्री तथा 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो जो कोण बनाती है, कोण लिख दीजिए, कोण बनाती है, चलिए कोण बना दिया। अब देखिए अब हमें क्या करना है, हमें जो है सबसे पहले तो हमें ये ऊंचाई कह दिया है निकालने के लिए, तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं 60 डिग्री के बीच संबंध लगाते हैं। अगर इसके बीच हमें कुछ नहीं पता है तो यहाँ पे हम x रख देते हैं, क्या रख देते हैं, x, और इसकी ऊंचाई को जो है वही रहने दीजिए। तो सबसे पहले हम 10 लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों में संबंध लाना है, तो 10 थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो यहाँ लगाएंगे 10 थीटा, तो थीटा हमें कितना है, 60 डिग्री है, तो लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा आपका ए बी, और आप जो है आधार क्या माने हैं, तो आधार माने हैं एक्स, तो एक्स रहने दीजिए। अब देखिए 10 थीटा जो है 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और इज इक्वल टू ए बी और बाई हो जाएगा एक्स। अगर हम ए बी निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बराबर √3 एक्स, यही होगा। अब चलिए इसमें चलिए अब हम इसका वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 10 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री बराबर लंब होगा आपका ए बी, तो लिखेंगे ए बी, और आधार क्या होगा, तो आधार होगा एक्स और प्लस का 400, यानी इसे लिखिए एक्स और प्लस का 400, चूँकि हमें डिस्टेंस पता है और हम जो है इसे एक्स माने हैं, तो एक्स रखेंगे। 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और बाई ए बी और बटा का
एक्स प्लस का 400। अब जो है एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से हो जाएगा और ए बी को रूट थ्री से करेंगे तो ये हो जाएगा रूट थ्री ए बी और इज कॉल टू का हो जाएगा एक्स प्लस का 400। क्या यही होगा? तो एक्स प्लस 400 रखेंगे। अब देखिए, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए तो हमें चाहिए ए बी। क्या चाहिए? ए बी। तो अगर हम ए बी निकालते हैं तो ए बी का वैल्यू हम ऊपर भी निकाल चुके हैं, तो ए बी का वैल्यू ऊपर कितना निकाले हैं तो रूट थ्री एक्स निकाले हैं। तो जहाँ जो ए बी है यहाँ हम क्या रख देते हैं, तो यहाँ रख देते हैं रूट थ्री एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स और प्लस का 400 हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, थ्री एक्स और ये प्लस में है तो इस साइड ले आइए तो माइनस में हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 400। यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x और इक्वल टू का 400। यहाँ 2 से कट जाएगा, 200 बार में कट जाएगा, यानी x का वैल्यू जो है वो कितना है 200 है। तो x भी हमें पता चल गया कितना, 200। अब हमें क्या चाहिए? तो ए बी चाहिए। क्या चाहिए? ए बी। तो ज़रा देखिए, इसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन जो है फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में जो है एक्स का मान रख दीजिए। किसका मान? एक्स का मान समीकरण एक में, समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर। किसका मान? एक्स का मान रखने पर। तो समीकरण एक जो है क्या है, तो समीकरण एक है आपके पास ए बी रूट अंडर थ्री एक्स। क्या यही है ना? तो यहाँ पर जो है वैल्यू को पुट करेंगे। अब हमें वैल्यू रखना है तो यहाँ रखिए, देखिए तो यहाँ रूट थ्री का वैल्यू भी हमें डालना है। तो रूट थ्री का वैल्यू दे दिया है क्वेश्चन में 1.3 और इनटू जो एक्स है, एक्स का वैल्यू कितना निकला है, तो एक्स का वैल्यू 200 है तो यहाँ डाल दीजिए 200। अब देखिए 20 है तो पॉइंट उठ करके दो जीरो के बाद, दो अंक के बाद चला जाएगा और 2 से इसमें गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 × 6 = 7 × 14 के 4 हासिल एक हो जाएगा, 2 × 1 = 2 और 1 = 3, यानी 346 किलोमीटर जो है इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। अब हम लोग देखेंगे 34 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए 34 का दूसरा क्वेश्चन है, किसी नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर उस बिंदु से 20 मीटर दूर और उस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊँचाई और नहर की चौड़ाई, मतलब हमें टावर की ऊँचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक टावर बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये क्या है, टावर है, और टावर से जो है कुछ दूरी पर, कुछ दूरी पर ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये जो है 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये 60 डिग्री हो गया और ये क्या है, तो ये जो है आपका टावर है। अब ये 20 कितना, 20 मीटर की दूरी पर, कितना मीटर दे दिया है क्वेश्चन में आपका जो है 20 मीटर, यानी 20 मीटर की दूरी पर जो है ये कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो ये जो है आपका 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि कितने डिग्री का कोण बनाइए, तो ये 30 डिग्री का कोण बनाया तब। और ये क्या है, तो ये जो है आपका नहर है। क्या है? नहर। तो यहाँ से यहाँ तक की हमें डिस्टेंस दे दिया है और हमें पूछा है कि नहर मतलब टावर की ऊँचाई बताइए और नहर की चौड़ाई, यानी ये भी चौड़ाई बताना है और ये टावर की ऊँचाई भी। तो इसे मान लीजिए ए और इसे मान लीजिए बी, ये सी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब चलिए किसमें चलिएगा, तो अब त्रिभुज चलते हैं, सबसे पहले इस त्रिभुज में चलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में चलिएगा तो क्या लगाइएगा, टेन थीटा लगाएंगे तभी जा कर के इस दोनों में संबंध आएगा। तो ये हो जाएगा टेन 60 डिग्री बराबर लंब, लंब क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा आपका ए बी और आधार हो जाएगा बी सी, आधार क्या हो जाएगा बी सी। तो टेन थीटा का 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 60 डिग्री का वैल्यू रूट थ्री होता है और ए बी हमें नहीं मालूम है तो ए बी रहने दीजिए और बी सी नहीं मालूम है तो बी सी रहने दीजिए। अगर यहाँ से हम बी सी निकाल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए बी और बटा का रूट थ्री हो जाएगा। इसे यहीं पे छोड़ दीजिए, अगला जो है हम लोग इस त्रिभुज में चलते हैं। तो त्रिभुज हो जाएगा ए बी और डी में, ए बी डी में चलिएगा तो यहाँ भी क्या लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे टेन थीटा और थीटा 30 डिग्री होगा तो ये हो जाएगा ए बी और आधार जो लेंगे तो आधार ये पूरे लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका बी सी और प्लस का 20। अब यहाँ पर 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3 होता है, तो रूट थ्री रखिए और ये होगा ए बी और बटा का बी सी और प्लस का 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, बी सी और प्लस का 20 और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट थ्री ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट थ्री ए बी। अब देखिए यहाँ पर जो है हम बी सी का वैल्यू निकाल लिए हैं, या फिर यहाँ जो है आप
यहाँ पे यदि हम ए वी का वैल्यू निकालेंगे, देखिए यहाँ पर यदि हम ए वी का वैल्यू निकालेंगे तो बी सी का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या, यहाँ पर ए बी निकाल लीजिए, अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा ए बी इधर निकाल देते हैं तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट थ्री बी सी हो जाएगा, क्या होगा कि नहीं। तो यहाँ पर जो है वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ए बी का वैल्यू यहाँ रखिए तो ये हो जाएगा बी सी और प्लस का 20 इज कॉल टू रूट थ्री, और ए बी का वैल्यू आया है रूट थ्री बी सी, तो यहाँ रखेंगे रूट थ्री बी सी। तो अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बी सी और प्लस का 20, और ये हो जाएगा दोनों मल्टीप्लाई होकर के 3 BC, यहाँ से बी सी निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 3 BC, और ये उधर जा कर के हो जाएगा माइनस का बी सी और बराबर का 20 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, माइनस करेंगे तो ये 2 BC बचेगा और बराबर का 20 बचेगा, ये दो से कट जाएगा 10 बार में, यानी BC का वैल्यू जो निकला वो कितना निकला, 10 निकला, जो कि हमारा BC जो है क्या है, तो BC हमारी नहर की चौड़ाई है, यानी ये क्या निकल गया, तो नहर की चौड़ाई लिख दीजिए। अब ये नहर की चौड़ाई जो है हमारा कितना निकला, 10 मीटर निकला, लेकिन हमें तो टावर की ऊंचाई नहीं मिला, तो टावर की ऊंचाई जो निकालिएगा तो टावर की ऊंचाई ए बी है, और ए बी हम ऊपर निकाल चुके हैं कि ए बी बराबर कितना आया है, तो ए बी बराबर जो है ऊपर आया है रूट थ्री बी सी है। अब देखिए रूट थ्री हो जाएगा और बी सी का वैल्यू कितना है, 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10√3 मीटर जो है ये क्या हो जाएगा, तो ये जो है आपके टावर की ऊंचाई हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी मीनार के आधार से गुजरने वाली सरल रेखा पर ए और बी दूरियों पर स्थित क्रमशः दो बिंदु पी और क्यू से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक हैं, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई क्या होगा, √AB होगा। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या कहा कि कह दिया है कि किसी मीनार के आधार से, तो मान लीजिए मेरा जो है ये मीनार है और मीनार की आधार से, तो आधार ये होगा, मीनार के आधार से गुजरने वाली सरल रेखा पर ए, सरल रेखा पर क्या है तो ए है, और बी दूरियां पर स्थित क्रमशः दो बिंदु, यानी इस पे जो है दो बिंदु स्थित है, एक को मान लीजिए कि पी है तो दूसरा बिंदु क्या है आपका क्यू, तो इसका जो दूरी होगा वो क्या होगा, बी होगा, और इसकी जो दूरी होगी वो क्या होगी, तो ए होगी। तो इस प्रकार से हम दिखा देते हैं, इसके बाद जो है कह दिया कि इसका जो एंगल बनता है इस बिंदु के साथ वो एक दूसरे का पूरक बनता है, क्या बनता है, पूरक बनता है, अगर इसको हम थीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, थीटा, तो ये जो बनाएगा ये क्या बनाएगा, 90 − θ, तो इसका नाम ए दे दीजिए, और ये बी और ये पी और ये क्यू हो गया। अब इससे हमें सिद्ध करना है कि इसकी जो ऊंचाई होगी ना वो क्या होगी, √AB होगी। तो यहाँ मान लीजिए माना कि ए बी एक मीनार है, ए बी क्या है, तो एक मीनार है, जो कि क्वेश्चन में कह दिया ए बी एक मीनार है जिसमें बिंदु पी तथा क्यू दूरी ए तथा बी पर स्थित है, तो यहाँ थोड़ा सा लिख दीजिए। अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो इसमें हमें सिद्ध करना है कि क्या होना चाहिए, √AB, तो यहाँ लिखिए हमें प्रमाणित करना है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो मीनार की ऊंचाई क्या होनी चाहिए, तो √AB होना चाहिए, ये सिद्ध करना है। तो चलिए 10 θ में चलते हैं, सबसे पहले जो है ये 10 90 − θ, चलिए 10 90 − θ, तो 10 90 − θ कीजिएगा तो किस त्रिभुज में चलेंगे, तो हम इस त्रिभुज में चल रहे हैं ABP में, तो यहाँ लिख दीजिए त्रिभुज ABP में, तो इसमें चलेंगे तो 10 90 − θ क्या होगा, ये लंब होगा, तो लंब आपका क्या हो जाएगा, AB, और आधार क्या होगा, तो आधार जो है आपका BP हो जाएगा। तो 10 90 − θ क्या होता है, तो ये होता है आपका cot θ, और AB तो हमें मालूम नहीं है, तो AB रहने दीजिए, और BP मालूम कितना है, A, तो A, और इसे इक्वेशन कह दीजिए फर्स्ट। अब चलिए इस पूरे त्रिभुज में, तो चलते हैं त्रिभुज ABC
क्यू में, तो ए बी क्यू में चलेंगे तो यहाँ पे भी क्या लगाना होगा, यहाँ पे भी लगाना होगा टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब होगा आपका ए बी, आधार क्या होगा बी क्यू होगा, तो यहाँ लिखिए बी क्यू, तो ये हो जाएगा टेन थीटा, ये ए बी तो ए बी रहेगा और बी क्यू का वैल्यू क्या है बी है, तो बी रहने दीजिए। अब इसे क्या कह दीजिए, इसे इक्वेशन कह दीजिए सेकेंड। अब यहाँ लिखिए समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक तथा दो से, तो समीकरण एक क्या है, तो समीकरण एक है टेन इज इक्वल टू ए बी बाई ए, और समीकरण दो है टेन थीटा बराबर ए बी बाई बी, तो इसे लिखिए टेन थीटा, दोनों को अलग अलग लिखिए, दोनों को एक साइड कर लीजिए, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा और इज इक्वल टू ए बी बाई ए और इंटू का ए बी बाई बी हो जाएगा, तो यहाँ बी रहने दीजिए। अब देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा, तो ये जो है आपका वन हो जाएगा, और ए बी गुना ए बी क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, और ए और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ से जो है क्रॉस गुना कर दीजिए, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर और बराबर का ए बी। अब ए बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा और क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, यही ना कह रहा था सिद्ध करने के लिए, ये आपका प्रूव्ड हो गया और 35 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक मनुष्य जो नदी के किनारे एक पहाड़ी पर खड़ा है, ठीक नीचे के किनारे की ओर समरूप वेग से आते हुए पानी के जहाज़ का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है, यदि 6 मिनट बाद यह अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है तो जहाज को अपनी पहली स्थिति से किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं, बहुत आसान है। देखिए मान लीजिए कि ये क्या है, तो ये जो है आपका पहाड़ है, इस पर कोई आदमी जो है यहाँ बैठा हुआ है, और पहले जो है जो जहाज़ है वो यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे है, तो इसके साथ ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है। लेकिन जैसे ही 6 मिनट बीतता है, तो 6 मिनट बीतने के बाद जो है ये ज़मीन के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये जो है 60 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का बनाता है, 60 डिग्री का, और यहाँ पर कितना डिग्री, 60 डिग्री का कोण बना देता है। तब आपसे कह रहा है कि इस स्थिति से जो है यहाँ तक आने में नाव को कितना समय लगेगा, तो नाव को कितना समय लगेगा, तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, यहाँ जो है इसे मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये आपका क्या है, डी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस त्रिभुज में, तो त्रिभुज आपका हो जाएगा ए बी सी में, तो ए बी सी में चलिएगा तो टेन थीटा लगाएंगे, तो टेन थीटा कितना है, तो थीटा आपका 60 डिग्री है, तो यहाँ लिखिए टेन 60 डिग्री, और टेन 60 डिग्री, तो लंब क्या हो जाएगा, लंब जो होगा वो आपका ए बी हो जाएगा, और आधार क्या होगा, तो आधार जो है बी सी हो जाएगा। टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। ऊपर लिखिए ए बी और नीचे लिखिए बी सी। अगर यहाँ से जो है कुछ भी निकाल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम ए बी निकालते हैं, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 BC हो जाएगा। अब चलिए त्रिभुज जो है इस पूरे त्रिभुज में ए बी डी में, तो त्रिभुज ए बी डी में, तो ए बी डी में चलेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा टेन 30 डिग्री बराबर, लंब तो होगा आपका ए बी ही, और जो आधार है, आधार क्या हो जाएगा, तो ये पूरे आधार काउंट होगा, तो ये हो जाएगा आपका बी डी, क्या हो जाएगा, बी सी, बी सी और प्लस का सी डी हो जाएगा। तो टेन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1/√3, ऊपर लिखिए ए बी और नीचे हो जाएगा बी सी, और सी डी का वैल्यू कितना है, 6 मिनट है, तो 6 मिनट रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इससे करेंगे तो ये हो जाएगा बी सी और प्लस का 6√3 AB हो जाएगा, क्या होगा। अब देखिए यहाँ से जो है हम ए बी निकाल चुके हैं, और ए बी कितना है, तो ए बी यहाँ आपको दिख रहा होगा कि √3 BC है, तो इसे जो है इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, तो यहाँ रख दीजिए बी सी, तो बी सी और प्लस 6√3 और इंटू का हो जाएगा √3 BC, क्या होगा। तो ये कहाँ से लिए हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट से लिए हैं, कहाँ से लिए हैं, इक्वेशन फर्स्ट से। अब ये हो जाएगा बी सी और प्लस 6, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 BC हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यदि जो है हम बी सी निकालते हैं, तो इसे उस साइड भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 BC और माइनस का बी सी
और बराबर 6 है तो 6 हो जाएगा। 3 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बीसी बचेगा और इज इक्वल टू 6 है तो ये कितना से कटेगा, 3 से 2 तिया 6 यानी बीसी कितना हो गया, तो बीसी जो है आपका 3 मिनट हो गया। तो आपसे ये पूछा जा रहा था कि डी से पहली बिंदु से जो है बी तक आने में इसे कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में इसे 6 मिनट लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक में इसे कितना मिनट लगेगा, तो 3 मिनट लगेगा। तो कुल जो दूरी लगेगा वो कुल समय जो लगेगा वो कितना लगेगा, तो कुल समय जो है आपका 6 मिनट और प्लस 3 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो है 9 मिनट का समय लगेगा इसे वहाँ से यहाँ तक आने में। ये क्वेश्चन जो है आपका पूरे बन गया और इस तरह से ये आपका चैप्टर जो है ख़त्म होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।